सब्सक्राइब करें मेडिकल गुरुजी चैनल को और साथ ही दबाएं बेल आइकन को ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेडिकल गुरुजी के एक फ्रेश एपिसोड में। मेरा नाम है नीरव। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नई मेथड के बारे में जिससे हमें पता चल सकता है कि यूरिनरी ट्रैक में कोई इन्फेक्शन है या नहीं। अब वो पता चलेगा एक स्मार्टफोन से। आपने सही सुना, एक स्मार्टफोन से हम पता कर सकते हैं कि यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन है या नहीं। अब ये कैसे होता है, किस तरह की प्रोसेस है, कितना समय लगता है, वो सारी चीजें डिटेल में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बेसिकली इसका ओवरव्यू मैंने न्यूज वाले वीडियो में दे दिया था, लेकिन आज मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हो सके तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखें। दोस्तों अगर यूरिन ट्रैक में इन्फेक्शन है तो आज के टाइम पे काफी असरकारक टेस्ट अवेलेबल है, जैसे कि यूरिन कल्चर है, यूरिन अगर लंबे समय तक बैक्टीरियल ग्रोथ देखना है तो भी हम चेक कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन आज एक नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट हुई है जिसका पेपर पब्लिश हुआ है और उसका आर्टिकल भी बाहर आ चुका है, जिसमें ये बताया गया है कि एक स्मार्टफोन कैमरा की मदद से, जो आप कैमरा देख रहे हो उसकी मदद से हमें पता चल सकता है कि यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन है या नहीं। अब यहाँ पे ये मशीन बेसिकली काम कैसे करता है उसके लिए मुझे आपको ले जाना पड़ेगा बोर्ड के ऊपर, जहां पे मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि बेसिकली वहां पे होता क्या है। तो पहले मैं वहां पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ, देन फिर से यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो प्रोसेस होती है जिससे हमें स्मार्टफोन से पता चलता है कि यूरिनरी ट्रैक में कोई इन्फेक्शन है कि नहीं, उसके लिए इस तरह की स्ट्रिप की हमें जरूरत पड़ती है। बेसिकली ये जो स्ट्रिप है इसके अंदर माइक्रो कैपिलरीज होती है, जैसे कि आप देख सकते हो इस तरह से मैंने ज्वाइन किया हुआ, ये माइक्रो कैपिलरीज है। तो इस तरह की स्ट्रिप की सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है। अब यहां से यूरिन सैंपल को स्ट्रिप के अंदर इंसर्ट किया जाता है। स्ट्रिप के अंदर ऑलरेडी इमोबिलाइज एंटीबॉडीज रहते हैं, वो कौन से रहते हैं वो डिटेल अब तक शेयर नहीं की गई है, जैसे वो डिटेल शेयर की जाएगी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो बेसिकली इस तरह की स्ट्रिप होती है जिसके अंदर इमोबिलाइज एंटीबॉडी पहले से होते हैं। अब यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे यूरिन सैंपल रखा जाता है। अब यूरिन सैंपल जब रखा जाता है तो एक चीज होती है कि अगर यूरिन में कोई भी प्रकार का इन्फेक्शन है या फिर यहाँ पे कह सकते हो कि बैक्टीरियल ग्रोथ है, तो 80% ऑफ टाइम वहां पे ई कॉली प्रेजेंट होता है, 80% ऑफ टाइम, या फिर आप कह सकते हो उससे थोड़ा ज्यादा भी होता है। तो यहाँ पे ई कॉली जो है यहाँ पे डिटेक्ट हो जाता है। अगर मान लीजिए यूरिन सैंपल जो इंजेक्ट हुआ है उसमें ई कॉली प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो इमोबिलाइज एंटीबॉडीज है उसे बाइंड कर लेगी, उसके साथ वो जुड़ जाएगी बेसिकली, और फिर क्या होगा उसके ऊपर से एंजाइम ऐड किया जाता है जिससे ये जो बाइंड हो गए वो पार्टिकल कलर पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं, यहाँ पे उसका कलर जो होगा वो चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर जो है वो एक स्मार्टफोन की मदद से क्या होगा, एक सिंपल तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगा। फिर इस तरह से स्मार्टफोन कैमरा यहाँ पे रखा जाएगा, इसका कैमरा इस तरह से टर्न ऑन करके स्ट्रिप के ऊपर देखा जाता है। तो बेसिकली क्या होगा, अगर वहां पे जो कलर चेंज है उसके हिसाब से यहाँ पे पता चल जाएगा कि यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन है या नहीं। अब आपके माइंड में एक कंफ्यूजन तो होना ही चाहिए कि वो हमें आंख से क्यों नहीं दिखता है। बेसिकली ऐसी काफी सारी चीजें होती है जो हम आंख से नहीं देख पाते, उनमें से एक है आईआर वेव्स, हम आईआर वेव्स को नहीं देख पाते हैं। हम अगर टीवी के रिमोट को देखें, अगर उनका हम चैनल चेंज करते हैं तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। अगर वही रिमोट को इस तरह से रख के आप कैमरा में सेंसर में देखोगे तो आपको वहां पे एक रेड डॉट या कह सकते हो कि कुछ समय के लिए पल्स वहां पे फील होगा। तो वही टेक्नोलॉजी पे यहाँ पे हमें पता चलता है कि यूरिनरी ट्रैक में कोई इन्फेक्शन है या नहीं। बहुत ही इफेक्टिव एंड नई मेथड है। अब देखना यह है कि कब हमें ये मार्केट में देखने को मिलती है। जो भी मैंने ग्राफिकली आपको एक्सप्लेन किया वो आपको डिटेल में समझ आया होगा। ये बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है, विद इन 20-25 मिनट्स हमें पता चल जाता है कि यूरिनरी ट्रैक में कोई इन्फेक्शन है या नहीं। कॉस्ट इफेक्टिव डेफिनेटली है क्योंकि इतना ज्यादा खर्चा यहाँ पे होता नहीं है और बहुत ज्यादा एडवांटेज हो सकते हैं। आपका ये ट्रीटमेंट के बारे में क्या व्यू और आपको क्या लगता है कब तक ये FDA अप्रूव्ड होके हमें मार्केट में देखने को मिलेगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। थर्सडे नए एक वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। टिल देन अगर आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके शेयर नहीं किया है तो वो भी कर दो, बहुत जल्दी एक नया वीडियो आने वाला है। टिल देन जय हिंद, वंदे मातरम।